हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो भाई, अभी मैं सो के उठा हूँ, क्योंकि इतना जल्दी तो मैं सो के उठता नहीं हूँ, मगर पहली बार सो के उठा हूँ क्योंकि आज पापा ने उठा दिया है और बाहर जोर से बारिश हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ गया हूँ। नहीं तो मैं 11 बजे करीब तो रात को सोता हूँ और सुबह 7:30 नहीं तो 8 बजे उठता हूँ, क्योंकि मैं व्यापारी हूँ ना। इसलिए आज बारिश तेज़ हो रही थी तो पापा, मैंने देखा उठ गया, मेरी आँख एकदम खुल गई। फिर देखा पापा तो नहीं है, क्या बारिश में भी वॉकिंग पे गए हैं? क्योंकि पापा सुबह सुबह 5 बजे वॉकिंग पे निकल जाते हैं, तो पापा को मैंने देखा तो वो वॉशरूम गए थे। सो हमारे पापा देखो इधर है, अब हाय करो। हाय ठंड ठंड तो पापा, बारिश में आप नहीं जाओगे क्या वॉकिंग पे? बारिश वॉकिंग पे आप कहाँ जाएंगे? छतरी वतरी लेकर? अब बारिश कम हो जाएगी तो जाएंगे, क्योंकि बारिश के ही चक्कर में सर्दी हो गई या कुछ हो गया तो वो एक और मुसीबत रहेगा। तो सही बात है। तो भाई मैं बता दूं, कम से कम 5-6 दिन से ऐसे ही हो रहा है, पापा वॉकिंग पे नहीं जा पा रहे हैं। हाँ, शाम को चले जाते हैं, मगर सुबह वॉकिंग पे नहीं हो पा रहा है। और हमारी बात करें तो हमारी दो दीदी की, वो अभी तक सो रहे हैं, क्या करेंगे मतलब। तो बारिश तेज हो रही है ना, तो बाहर पूरा ठंडा इलाका है, तो ये सो रहे हैं, तो चलो सोने दो, हम जाते हैं। पापा को अब बोल रहे थे, पापा बोल रहे थे कि भाई चाय पीना है तो दूध लेके आना है। जा बेटा, सुबह सुबह की चाय अच्छी लगती है और अमल अपना पूरा होता है। हर आदमी को पता है कि सुबह के हर आदमी के घर में चाय का सिस्टम ज़्यादा होता है, ये तो अंग्रेज लोग सिखा गए तो सीखना ही है। एक बात बताएं भैया, हमारे देश चाय, सुबह की चाय सबको चाहिए तो चाहिए, बिना चाय के कोई रह नहीं सकता। और वो एक एडिट हो चुकी है, और ये एडिट बहुत ख़राब है, क्योंकि एक चीज़ के लिए इतना एडिट होना ये अच्छी बात नहीं है। तो भाई हमने ले लिए छतरी, अब जा रहे हम नीचे, क्योंकि पापा के लिए दूध लेके आना है, पापा को चाय पीना है। और बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है भाई, बारिश की तो बात ही मत करो। अब इसमें व्यापार में कैसे जाऊंगा कैसे नहीं जाऊंगा वो तो मालूम नहीं है, मगर बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है भाई। नमस्ते सर। देखो भाई, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इधर मेरे सर थे जो मुझे पढ़ाते थे, कम से कम 12th तक जो मैंने किया था कॉलेज, उसके प्रोफेसर थे। बारिश में भी वॉकिंग जा रहे हैं। अर्धा लीटर रस कोड़ी। हालो रस को, हाँ एर तो एस्ट तो 37 हाँ 37 37 ना ओके 37 अंकल। अंकल मुझे हाँ अंकल बोल रहे हो आप? अंकल अंकल को बोल रहे हो? अंकल को दिखाया नहीं ना? हाँ हाँ उसके लिए ओके ओके एक रस को एक पैकेट दो दो, 37 हो गया अंकल। ओके, उधर रख दो, अभी मैं पैसा देता हूँ। ये लीजिए, खाना पानी हो गया, सुबह सुबह इतना जल्दी पूरा खाने पानी हो गया, इतना जल्दी नाश्ता नहीं, सिर्फ चाय। सिर्फ चाय? हरी चाय पीते हो के लाल वाली? दूध का। दूध का? अदरक वाली सिंपल वाली? सिंपल। चलो अच्छी बात है। तो भैया हमने ले लिया है दूध और एक रस्क, अब चलते हैं घर की ओर। अजी ये समझ रहा, हाय माड़ी हाय माड़ी हाय माड़ी हाय हाय। तो हम आ चुके हैं भाई घर पे। तो दोस्तों, दूध मैंने दीदी को दे दिया, और देखिए पापा जी क्या कर रहे हैं। पापा जी दीदी का मोबाइल लेके वो जाने क्या क्या खेल रहे हैं। पापा क्या खेल रहे हो? मैं गेम खेल रहा हूँ भैया जी। कौन सा गेम खेल रहे हो? वही बॉल वाला। तो भाई मैं बता दूं, वो जो बॉल है ना, जो बॉल ऊपर ये वगैरह करते हैं, वो गेम खेल रहे हैं। पापा को एक बार सिखा दिया था और उसी में लगे पड़े हैं। वो बॉल के अलावा का अगर कोई सा गेम आपको दे दो ना, उनको कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वही आता है वो सिंपल जैसा वाला, तो उसी को उसी पे लगे रहते हैं। अब दीदी का मोबाइल लेते हैं, उसी पे लगे रहते हैं। एक बार मैंने कोशिश करी थी फ्री फायर पबजी वगैरह खिलाने की, पापा बोल रहे इसमें तो बहुत रामायण है, कौन खेलेगा, दिमाग ख़राब हो जाता है।
और पबजी खेलोगे? फ्री फायर? नहीं, मुझे ये ठीक नहीं, पहले कल मैंने सिखाया था ना, कल परसों। टाइम लगेगा उसमें। हाँ तो वैसा खेलो ना, वो अच्छा रहेगा ना। करेंगे बाद में कोशिश। कोशिश करोगे? चलो ठीक है, अब चाय का वेट कर रहे हैं, चाय आ गई तो पियेंगे। तो भाई दीदी चाय लेके आ गई हैं, चाय रखे चली भी गई। तो पापा अभी बिजी हैं फोन में। क्या पापा चाय पियोगे? नहीं हाँ, ओहो बिस्किट और रस्क वगैरह भी आ गए हैं, तो उसमें छोड़ो ना, आप चाय पियो ना, वो ठंडी हो जाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। पापा के छोड़ो भाई, अब हम पी लेते हैं, क्योंकि पापा बिजी लग रहे हैं कुछ ज़्यादा। जैसे हम लोग फ्री फायर में पबजी में एक बार अगर लग जाते हैं तो कम से कम एक दो घंटा तो किसी का नाम ही नहीं लेते हैं, और ना चाय की पूछते हैं ना पानी की पूछते हैं, वो लत रहती है ना। ऐसे कुछ मुझे को लग रहा है अब पापा भी इसी में ऐसे ही कुछ डूब गए हैं, अब ना चाय का ध्यान है ना उसका रस का। नहीं तो पापा को चाय और रस्क तो बहुत प्यारी होती है, और सबसे पहले मुझे ही बोला था कि जल्दी लेके आ, दूध लेके आ, मेरे को चाय पीना है। पापा चाय आने के बाद भी तुम ऐसे कर रहे हो? नहीं पी रहे ना, देखो ये तो अब पी रहे हो 10-15 मिनट लेट होने के बाद। चलो ठीक है, चाय पी रहे हैं, ये अच्छी बात है भाई। इनको सुबह सुबह ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी ऊपर से नीचे हो जाए, मगर सुबह चाय चाहिए तो चाहिए। एक सुबह, एक दोपहर में, शाम में पीते हो? हाँ एक शाम को। तो दिन में कितनी बार पीते हो चाय? तीन टाइम। तीन टाइम तो आप, आपको नुकसान नहीं करती है? क्यों, अब इस उम्र में क्या नुकसान करेगी, चाय का तो सहारा ही है यार। तो अभी अपने शरीर को भी थोड़ा देखना चाहिए क्या? नहीं शरीर तो फायदेमंद है, अब चाय तो काम ही है भैया, चाय नहीं चाहिए इतना चाहिए। मैं बताते तो भैया, इनकी दवाई बहुत चल रही है मालूम है, कम से कम महीने में 3-4 हज़ार की तो सिर्फ दवाई दवाई आ जाती है। 5.5। हाँ 5.5। तो अभी देखो ये चाय पीते हैं, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, तो अभी ये शुगरलेस है, इसमें शुगर नहीं है। अब जो मैं पीता हूँ वो शुगर वाली पीता हूँ, मगर तो ये चाय वगैरह नहीं पीना चाहिए ना पापा। बच्चों को नहीं पीना चाहिए? अरे बच्चों तो, हम तो जवान हैं, अभी अभी नहीं पियेंगे तो कब पियेंगे? तुम्हारी मर्जी, ऐसा बोलते हैं। चलो ठीक है भाई, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और पापा सब्सक्राइब। हाँ सब्सक्राइब करें। मैं 2 दिन में एक बार वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, हर 2 दिन में एक बार। तो भाई हम मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।